अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मंजूर प्लोन। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बुक पढ़ने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं चैप्टर वन, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड सेशन वन हमारा रहेगा आज इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कम्युनिकेशन होता क्या है। आपने देखा होगा लोगों को आपस में बात करते हुए, मतलब हर एक को कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। सो ये कम्युनिकेशन होता क्या है? ये कम्युनिकेशन जो वर्ड है, ये लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका नाम है कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है टू शेयर। अगर हम लेफ्ट साइड नीचे फिगर को देखते हैं गौर से, तो हमारे पास दो पर्सन्स हैं, ठीक है। एक पर्सन कम्युनिकेट करना चाहता है फॉर इन्फॉर्मेशन, ये बोलना चाहता है वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। सो आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन टू अदर पर्सन, द अदर पर्सन इज रिप्लाइंग, अदर पर्सन वापस में बोल रहा है आई एम गोइंग होम। सो ही इज गिविंग इन्फॉर्मेशन एंड द इन्फॉर्मेशन इज बीइंग रिसीव्ड बाय द पर्सन। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कम्युनिकेशन वी आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, वी आर गेनिंग इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन अबाउट वन अनदर। सो दिस इज कम्युनिकेशन एंड इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सर्वाइव ऑन दिस प्लेनेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या चीज है। देखो कम्युनिकेशन आपको पता है कि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, आइडियाज़ हैं, फीलिंग्स हैं, मगर आप में आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए आप क्लियरली कम्युनिकेट कर पाओगे दूसरों के साथ या अपने रिलेशनशिप्स के साथ, जैसे फादर है, मदर है, ब्रदर है, ठीक है। सो इनके साथ कम्युनिकेट करना क्लियरली फॉर शेयरिंग योर थाट्स, फीलिंग्स, आइडियाज़, ये किससे हो सकता है? खाली खाली एस खाली कम्युनिकेशन से। फॉर एग्जाम्पल यू कैन इन्फॉर्म अबाउट समथिंग और यू कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस अदर्स थ्रू कम्युनिकेशन, यू कैन हैव कंट्रोल ऑफ अदर्स थ्रू कम्युनिकेशन, यू कैन इफेक्ट अदर्स थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है। सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट सो दैट यू कैन कम्युनिकेट बट क्लियरली फॉर शेयरिंग यूअर फीलिंग्स, थाट्स एंड आइडियाज। So let's move to the next slide. So the next slide is communication skills are needed too. So हमें communication skills होने चाहिए, किस लिए होने चाहिए? आइए जानते हैं। First of all, information share करने, आपको कम्युनिकेशन चाहिए, आपको कोई फैक्ट है या कोई इंफॉर्मेशन है आप दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन इज नेसेसरी। फॉर एग्जांपल आपका डेट शीट आया है एग्जाम के लिए, सो आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं तो उसको आप कम्युनिकेट करते हैं अबाउट द एग्जाम, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपने सुना होगा कि आपका फ्रेंड कभी कभार आपको बोलता है कि आपने कम्युनिकेट ही नहीं किया, यानी आपने मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया। सो फॉर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कम्युनिकेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी द नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्किल हमें किस लिए ज़रूरत पड़ता है। द नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंस, ठीक है। आपको इफेक्ट करना चाहते हैं आप दूसरे फ्रेंड को या दूसरी पर्सनालिटी, आप कंट्रोल करना चाहते हैं दूसरी पर्सनालिटी को, ठीक है। अगर हम बोलते हैं भी आपका इन्फ्लुएंस अच्छा है, ठीक है, आपका इन्फ्लुएंस अच्छा है, आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ठीक है। सो ये है द इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शॉपकीपर के पास चले जाते प्राइस के हवाले से नेगोशिएट करते हैं, ठीक है, अगर वो 50 में बोल रहा नहीं, आप उसको तैयार करते हैं 30 में ही उस चीज़ को बेचने के लिए, ठीक है। या अगर आपका कोई फ्रेंड स्ट्रेस में है, ठीक है, आप उसको इन्फ्लुएंस करते हो थ्रू योर कम्युनिकेशन ताकि वो उस स्ट्रेस से बाहर आ जाता है। सो इन्फ्लुएंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन
कम्युनिकेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल हमें क्यों चाहिए वो है एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। हाँ, अगर आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी हो तो आपके अंदर कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे हम कभी कभार हम अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हैं, आपको बोलना नहीं आता है यार, आप इसको अच्छे से बोलिए कि आप बोलना क्या चाहते हैं। सो अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप इस हिसाब से प्रॉब्लम को बयान करते हो तो दूसरे को भी फील होता है, नहीं, इसकी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो शेयर हमारे साथ कर रहा है, एक्साइटमेंट कर रहा है, तो दूसरे को भी लग रहा है कि नहीं नहीं भाई ये खुश है। अगर किसी को गम है वो उस हिसाब से उसको एक्सप्रेस करता है थ्रू कम्युनिकेशन, तो उसको लग रहा है कि उसको रियल में गम है, ठीक है। ये जो एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, दिस इज़ ओनली एंड ओनली पॉसिबल थ्रू कम्युनिकेशन। अगर आप दूसरे से बात करेंगे कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है तो वो समझ सकता है, ठीक है। या अगर आप खुश हो रहे हैं, या आप कैसे फील कर रहे हो कि एग्ज़ाम आपने दिया है, सो दिस इज़ थ्रू ऑल कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू लर्न दिस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। सो मैं यहीं पर वीडियो को स्टॉप करूँगा। सो थैंक यू, आई विश यू ऑल गाइज, यू प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।